ये देखिए सिल्वर का कढ़ाई कला हुआ है क्या, और ज्यादा चमक रहा है। बेसिन भरकर जो बर्तन है, आप सारे बर्तन इतने सारे डिटर्जेंट में साफ कर लेंगे? नहीं ना, लेकिन डिश वॉशर इतने से डिटर्जेंट में सारे बर्तन बहुत ही आराम से साफ कर लेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी, मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूं मेरा जो डिश वॉशर है उसी का रिव्यू डेमो। 4 साल से मैं डिश वॉशर यूज कर रही हूं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसान है डिश वॉशर में बर्तन साफ करना, या डिफिकल्ट है, या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी डिश वॉशर के बारे में, और जो मीथ है भी वो भी आप जान पाएंगे। तो मेरा जो ये डिश वॉशर है ये 4 साल पुराना है, और ये IFB का नेपचून VX है। जब हम दुकान जाते हैं तो हम फ्रिज खरीदते हैं तो कितना लीटर, 125 लीटर छोटा वाला होता है, उससे बड़ा साइज का आता है, हमें सभी को पता है कि लीटर में आता है फ्रिज। और जो वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं KG में, कितना KG का जो लोड वो ले सकता है, कपड़ा कितना KG का हम उसमें डाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, सभी को पता है। आजकल तो हर घर में डिश वॉशिंग मशीन है। उसी तरह से जब हम डिश वॉशर लेने जाते हैं, ये होता है 8 प्लेस सेटिंग, 9, 10 प्लेस सेटिंग, 12 प्लेस सेटिंग, इस तरह से आता है। तो मेरे पास जो डिश वॉशर है वो है 12 प्लेस सेटिंग। तो अभी चलिए चलते हैं मेरे डिश वॉशर के पास और पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगी मेरे डिश वॉशर को। सबसे पहले तो जान लेते हैं इनलेट और आउटलेट होता है, पानी जाएगा और पानी ड्रेन होगा, तो इसलिए अगर नहीं है तो आप इस तरह से आप सुविधा कर लीजिए अपने यहाँ। तो जब इंजीनियर आएंगे इंस्टॉल करने के लिए तो फौरन इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास भी नहीं था, मैंने इसको प्लम्बर बुला के मैंने इसको इस तरह से किया है। बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन का था, फिर जब मैंने डिश वॉशर खरीदा तो डिश वॉशर के लिए मुझे इस तरह से इनलेट के लिए यहाँ पर मुझे इसको सुविधा करना पड़ा। ये जो IFB का नेपचून VX 12 प्लेस सेटिंग डिश वॉशर है जिसका मैं आपको डेमो रिव्यू दिखाऊंगी, तो ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा है। मुझे अच्छा लगा, 4 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और ये जो डिश वॉशर है, इसको मैंने रखा है एक स्टैंड के ऊपर। डिश वॉशर देखने से पहले जो डिटर्जेंट इसमें लगता है, क्या क्या चीजें लगता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले तो ये देखिए मेरा IFB का डिश वॉशर है, तो ये है IFB का डिटर्जेंट, ये लगता है। और ये जो है ये है रिंस एड, ये भी IFB का है, ये देखिए ये बर्तन में चमक लाता है इसीलिए इसको डाला जाता है। और ये है सॉल्ट है, ये IFB का नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं था, मुझे नहीं मिला तो मैंने दूसरा कंपनी का ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है सॉल्ट, तो ये सॉल्ट भी पड़ता है इसमें लगता है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में जिनके पास डिश वॉशर है और नहीं है, सभी को पता है कि ये तीनों चीज़ें इसमें लगता है, सॉल्ट, डिटर्जेंट और ये जो है रिंस एड। और एक चीज़ लगता है इसमें जो कि है लेमन एड, ये देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, फिश हो गया, ये जो स्मेल आता है ना, ये स्मेल चला जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू रह जाता है नींबू का बर्तन में। ऐसे तो गर्म पानी में ये वॉश करता है, स्मेल रहता नहीं है, चला जाता है, लेकिन बाद में धोने के बाद जो ड्राई होके निकलता है और अगर आप इसको लगा देते हैं ना, बहुत ही अच्छी खुशबू बर्तन में आता है नींबू का। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं लगाने से भी चलेगा आप। तो फिर चलिए चलते हैं डिश वॉशर के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा IFB का नेपचून VX, ये देख रहे हैं, ये है IFB का नेपचून VX जो मैं 4 साल से इसको यूज कर रही हूँ। और ये जो कलर है ये है डार्क सिल्वर कलर में है, और इसका जो मटेरियल है ये है गाल्वनाइज्ड आयरन है और विनाइल कोटेड है, और इसका है ये फुल इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये फ्रंट लोडिंग है, फ्रंट से हम लोग बर्तन इसमें रखेंगे, ये है फ्रंट लोडिंग। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉश का इसमें ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जब हम वॉश करेंगे, ये जो वॉश करेगा डिश वॉशर, यहाँ पे एक लाइट जलेगा, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, तो मतलब वॉश कर रहा है। जब ये रिंस करेगा तो
उसके बाद वॉश के बाद यहाँ पर एक रेड लाइट इस तरह से यहाँ पर जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे ब्लिंक करेगा। जब ड्राई करेगा ये बर्तन को यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करेगा, जब एंड हो जाएगा ये जो है यहाँ पर भी ब्लिंक करेगा, और जब खत्म हो जाएगा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो LED इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा प्रोसेस जो है बर्तन धोने का ये खत्म हो गया है, आप पावर सप्लाई जो है ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ये देखिए LED इंडिकेटर दिया गया है, और इसमें जो फैसिलिटी है ये स्टीम ड्राइंग है, मतलब ये स्टीम से हमारे बर्तन को बहुत ही अच्छे से सुखा देगा। और इसमें जो हम लोग जब हाथ में बर्तन धोते हैं उसको धूप में सुखाते हैं या जो बर्तन स्टैंड में रखते हैं हवा में सुखाते हैं फिर भी उसमें स्पॉट आ जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी एक भी स्पॉट नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से ये साफ कर देता है। मैं आपको बर्तन रख के भी दिखाऊंगी, साफ करके भी दिखाऊंगी। इसमें है फ्लेक्सिबल, इधर देखिए आप, ये है ऑन ऑफ का बटन है ये, और यहाँ पर दिया गया है एक्स्ट्रा हाइजीन दिया गया है। इसमें है टेबलेट, अगर टेबलेट यूज करते हैं तो आप टेबलेट का ऑप्शन चूज कीजिए, हाफ लोड अगर है तो हाफ लोड, नहीं तो आप दोनों जो है मैं आपको बताऊंगी हाफ लोड क्या है फुल लोड क्या है। तो इस तरह से ये दिया गया है। यहाँ पर चाइल्ड लॉक है, यहाँ पर देखिए लिखा है 3 सेकंड्स, अगर प्लस और माइनस दोनों को एक साथ आप प्रेस करके रख देंगे 3 सेकंड्स तो ये हो जाएगा चाइल्ड लॉक, और फिर अगर आपको अनलॉक करना है तो फिर से 3 सेकंड इस तरह से दोनों को प्रेस कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये था डिशवाशर के बारे में जो प्रोग्रामिंग था उसके बारे में इसका जानकारी। तो इसमें जो है ये जो है देखिए प्री वॉश और क्विक वाश जो है, प्री वाश और क्विक वाश में इसमें ये ड्राई नहीं करता है बर्तन को। प्री वाश जो है प्री वाश में अगर बर्तन बहुत दिनों के बाद, जैसे मैं आती हूँ 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद आती हूँ जो बर्तन है मैं प्री वाश कर सकती हूँ, साफ सुथरा बर्तन लेकिन डस्ट हो गया है बाहर है हम बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे हैं तो प्री वाश कर सकते हैं उसी बर्तन को। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा अगर आप चूज करते हैं कौन सा मोड, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर देखिए कितना टेम्परेचर अंदर रहेगा उस यहाँ पर दे दिया गया है, ये देख रहे हैं सभी में डेली अगर आप करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ये इस तरह से पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर हम प्रोग्राम जो है ये और एक बटन है, ये है प्रोग्राम, हम प्रोग्राम इस तरह से देखिए सेट कर सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो है इस तरह ही, अभी आ गया है प्री वॉश अभी आ जाएगा क्विक वॉश में इस तरह से, और इसको अगर दबा देंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डिटर्जेंट तो हमें जितना भी वॉश करना है उसी के वक्त ही डिटर्जेंट डालते हैं, लेकिन सॉल्ट हो गया और रिंस ऐड हो गया ख़त्म हो गया हमें कैसे पता चलेगा, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक चलता है लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो एस टाइप का देख रहे हैं ये सॉल्ट है, और ये नीचे वाला जो है ये है रिंस एंड, अगर सॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर इस तरह से आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करेगा, अगर ये रिन से एड ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर ब्लैक रेड लाइट ब्लिंक करेगा, अगर दोनों ख़त्म हो गए हैं तो दोनों एक साथ ये ब्लिंक करेगा, इसका मतलब है ख़त्म हो गया है आपको इसमें दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। तो ये हो गया, अभी अंदर चल कर देखते हैं अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज है। तो ये देखिए मैंने जैसे बोला था फ्रंट लोडिंग है इस तरह से है, थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा देखिए इस तरह से खुलना होता है, आपका जो ये थंब है यहाँ पे रख के इस तरह से थोड़ा सा पुश करते हुए इसको हमें इस तरह से खोल लेना है, बहुत ही आसान है खोलना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें डिटर्जेंट डालना पड़ता है, हर बर्तन जब हम इसमें लोड करेंगे हमारे डिशवाशर में यहाँ पर हम डालेंगे डिटर्जेंट, और यहाँ पर जो है इसको ये देखिए यहाँ पर डालेंगे रिंस एड, यहाँ पर डिटर्जेंट और यहाँ पर डलेगा हमारा रिंस एड। ये देखिए मैं डालकर भी आपको बताती हूँ, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, यहाँ पर इस तरह से डाल देना है बस, तो जब आप डाल देंगे तो यहाँ पर ये फुल हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए आप इस तरह से, इसको बंद कर दीजिए, हो गया। कितना बर्तन हम इसमें रखेंगे डिशवाशर में उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे
डिटर्जेंट डालना है। यहाँ पर भी देखिए मार्क दिया गया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर मार्क दिया गया है। हाफ लोड मतलब हाफ दीजिए, और दोनों ट्रॉली में अगर आप बर्तन रख रहे हैं तो फुल रखिए। उसी के हिसाब से आपका डिटर्जेंट जो बोलते हैं डिटर्जेंट कितना दिन जाएगा, कितना महीना जाएगा, कितना आप वॉश करते हैं, उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका डिटर्जेंट कितना दिन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बस इतना है डिटर्जेंट से, ये पूरा फुल ट्रॉली आपका जो बर्तन भर भर के भी आप रखेंगे ना, पूरा अच्छे से साफ कर देगा। मतलब अच्छे से बर्तन रखना है, एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये साफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ये जो है ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, यहाँ पर आप स्पून रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्पून रख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर भी इस तरह से स्पून रख सकते हैं, यहाँ पर जो आता है चिमटा वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। अगर स्पून नहीं रखना है आपको तो इसको इस तरह से रख दीजिए, और जो भी बर्तन रखेंगे हम उल्टा करके रखेंगे ताकि। और देखिए यहाँ पर, यहाँ साइड में आप ग्लास रख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर करछी वगैरह जो आता है इसको रख सकते हैं हम, यहाँ पर कफ छोटा छोटा कटोरा हो गया, इस तरह से हमें अच्छे से सेट करके रखना है ताकि हमारा हर एक बर्तन अच्छे से साफ हो जाए। और ये जो फास्ट वाला ट्रॉली है, ऊपर वाला ट्रॉली है ना, ये एडजस्टेबल है, इसको आप इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको ना नीचे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये एडजस्टेबल हुआ, नीचे वाला नहीं। और ये जो है नीचे एक देखिए व्हील है, ये जो है ब्लेड है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरह से होल है, यहाँ से पानी स्प्रे होके हमारा बर्तन साफ करेगा यहाँ से। इसीलिए सारे बर्तन को हम उल्टा रखेंगे ताकि अच्छे से ये साफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऐसे पानी स्प्रे करेगा और ये व्हील देखिए इस तरह से घूमता हुआ ये सारे बर्तन को हमारा साफ करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉली। अभी सेकंड नंबर ट्रॉली ये देखिए, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसा लिया है तो मैं बाकी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए ये भी एक ब्लेड है, नीचे भी एक ब्लेड है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं छोटा छोटा होल जो है, यहाँ से पानी स्प्रे होके हमारा बर्तन सारा साफ करेगा। और ये जो है यहाँ पर जितना भी अगर जो होता है खाना खाने का कुछ भी अगर रह जाता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर रह जाएगा इस जाली में, और इसको आप साफ कर दीजिए और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दीजिए, हो गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है सॉल्ट, जो है सॉल्ट यहाँ पर हम डालेंगे इसमें इस तरह से, इसलिए एक फॉनल दिया जाता है ये देखिए, और हम इसमें डालेंगे ये जो है इस तरह से, यहाँ पर हम सॉल्ट डालेंगे, मैंने डाला था ये, इस तरह से इसमें हमें सॉल्ट डालना होता है। ये जो सॉल्ट है ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। ये हो गया, सॉल्ट डाल दिया है मैंने, और इसको कर देते हैं अभी बंद, और अभी इसको लगा देते हैं। ये देखिए इसमें व्हील भी होता है, ये देखिए जो हम लोग पुल और पुश करेंगे बहुत इजी से हम पुल और पुश कर सकते हैं इस व्हील की वजह से। ये एडजस्टेबल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हम प्लेट रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लेट रखेंगे, यहाँ पर जो है प्लेट रखेंगे, बाकी बड़े बर्तन यहाँ पर रखेंगे। और ज़्यादा बड़े बर्तन अगर आपको रखना है तो ऊपर वाला को आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ये तो एडजस्टेबल है तो इसीलिए। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर बड़े बर्तन मत रखिए, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्लेट रखेंगे तो छोटा वाला प्लेट रखिए, इस साइड में आप बड़ा वाला प्लेट रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्लेट रख सकते हैं, इसको भी आप उठा लीजिए इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से दिया गया है, अगर ज़रूरत है छोटा मोटा प्लेट अगर आप रखना चाहते हैं, नहीं तो इसको क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। तो ये था डिशवाशर के बारे में कुछ जानकारियां। अभी चलिए इसमें रखते हैं बर्तन और साफ करते हैं, कैसा साफ होता है देखेंगे। तो पहले मैं कुछ प्लास्टिक का जो बिल्कुल भी डिशवाशर प्रूफ नहीं है या माइक्रो ओवन प्रूफ नहीं है वैसा वाला कुछ प्लास्टिक मॉग हो गया, डिब्बा हो गया, चलिए साफ करते हैं क्विक वॉश में या फिर प्री वॉश में साफ करते हैं, फिर उसके बाद हमारा बर्तन साफ करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पर जो है ये ब्रश स्टैंड हो गया आपका, जो रखते हैं इस टाइप का स्टैंड इसमें, और मग भी मैंने इस तरह से रख दिया है, एक प्लास्टिक का स्टूल है इसको भी मैं डाल रही हूँ, और ऊपर इस तरह से डिब्बे, कुछ प्लास्टिक डिब्बे में डाल रही हूँ, इसको साफ करेंगे क्विक वॉश में साफ करेंगे, 30 मिनट लगेगा। तो साफ करने से पहले हमें डिटर्जेंट इसमें
लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये लॉक होता है, थोड़ा सा इसे प्रूस कर देने से ये खुल जाता है। अभी इसमें मैं डिटर्जेंट डालूंगी, बस इतना ही डिटर्जेंट देखिए, और इसको अभी लॉक कर दूंगी मैं इस तरह से, और अभी इसको चलाएंगे। और मैंने बोला था आपको हाफ लोड क्या होता है, हाफ लोड ये होता है अगर हाफ एक ही ट्रॉली में आपका कम बर्तन है, एक ही ट्रॉली में आप डाल रहे हैं तो हाफ लोड में आप इसको चला सकते हैं इस तरह से। तो अभी चलिए चलाते हैं और देखते हैं 30 मिनट के बाद कि हमारा ये कैसा होता है। ये देखिए ये ऑलरेडी क्विक वॉश में है, यहाँ पर है 30 मिनट, 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बीच में मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी, तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए उसका साउंड सुनिए स्टार्ट होने से। रिंस एड का जो ये सिंबल है इसमें है ऑलरेडी, मैंने भर दिया है तो इसमें इसलिए रेड लाइट नहीं है। देखिए सर्फ ले गया है यहाँ से और अभी इसको ना साफ कर रहा है। ये देखिए सर्फ का पानी, ये देखिए। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद और इसको इसका काम करने देते हैं। और ये क्या होता है ना, जहाँ से आप बंद कर देंगे पावर अगर ऑफ हो जाता है, लाइन भी करंट चली जाती है ना, तो वहीं से शुरू हो जाएगा। ये देखिए वहीं से शुरू हो गया है अभी। ये देखिए वॉश करने के बाद ये आ गया है रिंस पे। ये देखिए अभी ये ड्राई कर रहा है, अभी 1 मिनट बाकी है। ये हो गया है एंड और यहाँ पर आ गया है 0। तो अभी आप ना स्विच को ऑफ कर सकते हैं। बंद हुआ है, मैंने स्विच भी ऑफ कर दिया है और अभी खोल कर देखते हैं। और ये देख रहे हैं कितना गरम गरम पूरा भाप आ रहा है, स्टीम आ रहा है यहाँ से। ये देखिए पूरा स्टीम आ रहा है, गर्मा गर्म स्टीम। तो इसको छोड़ देते हैं और 10-15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं ये साफ हुआ है कि नहीं है। ये देखिए ये सारे डब्बे और कुछ भी नहीं हुआ। अगर क्विक वॉश में करते हैं ना, देखिए नहीं तो ये मेल्ट हो जाता है पूरा डिब्बा, कितना अच्छे से ये साफ कर दिया। ये देखिए ढक्कन भी देखिए प्लास्टिक का है। अगर 2 घंटा 3 घंटा 50 मिनट अगर आप चला देते हैं तो ये सारे ना मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिश वॉशर प्रूफ नहीं है, ये ऑर्डिनरी जो है प्लास्टिक ना वही प्लास्टिक है। ये देखिए इसके अंदर देखिए पूरा साफ हो गया। ये भी देखिए मग को दिखाती हूँ मैं आपको, मग देखिए पूरा चकाचक हो गया है। तो इस तरह से आप अपना प्लास्टिक की चीज़ें भी साफ कर सकते हैं, लेकिन या तो प्री वॉश या तो फिर आप क्विक वॉश में साफ करना, नहीं तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए ये आता है डिश वॉशर के साथ ही, ये आता है कटलरी होल्डर। और ये जो है जब घर में पार्टी होता है, फंक्शन त्यौहार होता है, तो बहुत सारे चम्मच, ये जो है फॉर्क हो गया, ये सारे इसके अंदर आप रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है, तो इसलिए मैं इसको अलग रख देती हूँ। इसको मैं कभी भी आज तक यूज़ नहीं किया है। तरह से सिंगल भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो, नहीं तो इस तरह से भी दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हुक टाइप का दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप ज्वाइन करके एक साथ इनको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसको उठाने के लिए पकड़ने के लिए ये हैंडल है। मैं क्या करूँगी इस तरह से हल्के हाथों से बस पानी में थोड़ा सा धो दूंगी, क्योंकि खाने का जो पार्टिकल्स होता है वो डिश वॉशर में तो ऐसे भी जाली है बह जाएगा, लेकिन ऐसे डालना मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही धो देंगे। देख रहे हैं सादा पानी से बस ऐसे ही धो लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने लोड कर दिया है, इस तरह से मैंने रख दिया है और साफ नहीं किया है। आपको लग रहा है कि मैंने साफ कर दिया, ये देखिए यहाँ पर तेल की दाग है, हल्दी की दाग है इस तरह से। और इसको मैंने सारे बर्तन को इस तरह से उल्टा करके रखना होता है, हमें इस तरह से उल्टा रख दीजिए ताकि नीचे से पानी स्प्रे होके अच्छे से साफ हो जाए। एक के ऊपर एक बर्तन नहीं रखना है हमें, ऐसे रख दीजिए। और फिर उसके बाद जो है ये मेरा एल्युमिनियम का कुकर है, इसको भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। एल्युमिनियम का कुकर जो बोलते हैं कि एल्युमिनियम का बर्तन
काला हो जाता है, मेरा तो आज तक काला नहीं हुआ है। 4 साल वाली ये बर्तन भी मैं यहाँ पे रख दूंगी, और ये एक मेरा अल्मीनियम का कढ़ाई भी है, इसको भी मैं इस तरह से रख दूंगी, और जो ये प्लेट है इसको इस तरह से रख दूंगी क्योंकि जगह नहीं हो रहा है, और इसको कर देंगे बंद अभी, ये देखिए। और बंद करने से पहले थोड़ा सा हमें चेक कर लेना है कि ये जो है ये कहीं पे अटक ना जाए, इस तरह से थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि अच्छे से ये घूम रहा है कि नहीं। ये देखिए ठीक से ये घूम रहा है, और नीचे वाला भी देख लेते हैं, तो देखिए अच्छे से ये आ रहा है। तो अभी तो हमने वॉश किया था ये जो प्लास्टिक का बर्तन, तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से वॉश कर रहे हैं ना, तो हमें इसमें डालना पड़ेगा फिर से डिटर्जेंट। इसीलिए मैं बोल रही थी कितना वॉश आप करते हैं उसी के हिसाब से आपका डिटर्जेंट ये जाएगा। ये देखिए इतना डिटर्जेंट में हो जाएगा ये बस। और इसको हम फिक्स कर देंगे, मैं 50 मिनट का मैं इसको सेट करूँगी, तो अच्छे से ये साफ हो जाएगा और ये ड्राई भी करेगा। तो फिर चलिए चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और ये जो कटलेरी होल्डर है इसको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, और अगर आप ये लेमन नेट यूज़ करना चाहते हैं आपको ना इस तरह से यहाँ पर कहीं पर भी आपको ना इसको यहाँ पर बांध देना होता है। इस तरह से इसको बांध लीजिए, और इसको और भी बहुत ज़्यादा और भी बर्तन इसमें आ सकता है। देखिए और 2-4 बर्तन भी छोटे छोटे इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ इस तरह से, और ये जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर नीचे रख दूँगी, बस हो गया। और अभी इसको बंद कर दूँगी, अभी आराम करते हैं। ये देखिए मैं इसको रखूँगी सुपर 50 में, और ये 50 मिनट तक चलेगा। ऐसे तो मैं क्विक वॉश में रखती हूँ, लेकिन आज रख रही हूँ सुपर 50 में, और इसको कर देते हैं ऑन। ये देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे का भी ऑप्शन है, मैंने आपको दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम चलाना चाहिए मुझे। मैं जब भी चलाती हूँ ये डिश वाशर, तो या तो क्विक वॉश करती हूँ 30 मिनट्स का, या 50 मिनट्स का सुपर 50 वो चूज़ करती हूँ, और उसी मोड में मैं साफ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। खाने वाले बर्तन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कढ़ाई कुकर है अगर बहुत ज़्यादा गंदा है जल गया है, तो थोड़ा सा हाथों से अगर साफ करके आप रख देते हैं तो इतना टाइम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट में आप आराम से साफ बर्तन पा सकते हैं। तो जो मीथ है, मीथ नंबर 1 है, जो हमें डिश वाशर जो है वो हमें किचन में फिटिंग करना चाहिए, किचन में इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन देखिए मैंने इसको रखा है डाइनिंग एरिया में, किचन में मेरी जगह नहीं था, सुविधा नहीं था, तो मैंने रखा है डाइनिंग एरिया में। और साइड में आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन है हमारा, और ये है डिश वाशर है। तो ऐसा नहीं है आप जहाँ भी चाहें रख सकते हैं। हाँ, किचन में रखने से सुविधा ये होता है कि बर्तन आप बेसिन से निकाल के फौरन फटाफट आप इसमें डिश वाशर में रख सकते हैं, वो आसानी होता है। लेकिन नहीं, आप अगर बाहर रखते हैं, किचन से बाहर रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, यूटिलिटी एरिया में रखते हैं, तो बास्केट में आप झूठे बर्तन ले आइए, डाल दीजिए, और जब बर्तन साफ हो जाए भी बास्केट में भर कर ले जाए और अपनी जगह रख दीजिए। और जो है कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है, ये एक साथ इतने सारे बर्तन को एक साथ साफ करता है, तो ये बहुत ही कम पानी यूज करता है। और जो बोलते हैं एल्युमिनियम का बर्तन हमें नहीं डालना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, इंस्ट्रक्शन है नहीं डालना चाहिए, लेकिन डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काला नहीं होता है। आज तक मैंने आपको दिखाया है, मेरे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, एल्युमिनियम का है, मैं डाल देती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। तो प्लास्टिक का जो बर्तन है आप अगर साफ कर रहे हैं तो क्विक वॉश में साफ कीजिए, या फिर अगर डिश वाशर प्रूफ नहीं है, माइक्रोसेफ नहीं है, तो आप उसको साफ कीजिए प्री वॉश में या क्विक वॉश में। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से डिश वाशर का जान गए हैं, पहचान गए होंगे, और सोच सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर चलिए वेट करते हैं, 50 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे कि हमारा जो बर्तन है कैसे साफ हुआ है। मुझे अगर पूछेंगे तो क्या होता है ना, हाथ से बहुत ही ज़्यादा साफ डिश वाशर में होता है, बहुत ही हाइजीनिक वे से साफ़ करता है। आप सोचिए गर्म पानी से ये जो बैक्टीरिया होता है, जर्म होता है, गर्म पानी से तो वो मर ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कितना हाइजीनिक है। और हमारा हाथ भी कुछ नहीं होगा, ये साफ करेगा, सुखाएगा, और फिर हमें बर्तन लेगा।
तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपके वहाँ आपके घर में वोल्टेज बहुत ज्यादा अप डाउन होता है तो ये देखिए आईएबी का ये है स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, मैंने लगाया है यहाँ पे, और ये 240 वोल्टेज हमें जरूरत होती है डिशवाशर में, तो इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो आईएफबी का नेपच्यून वीएक्स 12 प्लस सेटिंग वाला जो ये डिशवाशर है, ये मैंने लोकल शॉप से लिया था और इसका प्राइस तब था 38,000 था। ये देखिए ये हो गया है पूरा साफ, देखिए ग्लास देखिए कैसे चमक रहा है, बर्तन चम्मच और जो ये लेमन एयर लगाया है ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए सिल्वर का कढ़ाई काला हुआ है क्या, और ज़्यादा चमक रहा है। ये देखिए बस आपको अच्छे से रखना आना चाहिए। ये देखिए प्लेट एक भी देखिए कहीं पर भी दाग नहीं लगा है। ये देखिए ये करछी को भी ऐसे उल्टा रखना होता है। देखिए दिन में हम एक बार या दो बार झाड़ू पोछा करते हैं, एक बार वॉशिंग मशीन चलाते हैं, कपड़ा धोते हैं, लेकिन बर्तन तो कितने बार हम धोते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता है, गिनती नहीं होता है। तो ये देखिए एक बार आप इसमें रख के आराम से इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप आपको वॉश करके इस तरह से दे देगा।